नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर आप देख सकते हैं, अलीगढ़ से जो है दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है, और दोनों ही जो हैं पति पत्नी हैं और अलीगढ़ से आए हैं। इनका नाम है इरम फातिमा, पत्नी है अर्धांगनी इनकी, असलम निवासी, जो कि अलीगढ़ के निवासी हैं ये जी। और कहीं ना कहीं गीतांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजनेस आपस में कुछ इनका बिजनेस को लेकर के झगड़ा वगड़ा हुआ है, तो उसी को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा मैटर था जिनको लेकर के इन्हें नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, यूपी के गृह मंत्री और अब तो प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी ये गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, हमारा जो है एक हॉस्पिटल खोला था हमने 2022 में। हमारे से पहले एक गीतांजलि हॉस्पिटल चलता था, उनकी एक टीम थी मेडिकल पे, जो वहाँ से पेशेंट उठा के, पेशेंट को गुमराह करके वहाँ अपने गीतांजलि हॉस्पिटल लेके चली जाती थी। वहाँ पर अगर कोई भी हॉस्पिटल वहाँ और कहीं पेशेंट जाता था तो वो पुलिस से साठ काट करके रखते थे। अब उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दे देना, डराना धमकाना बदमाशों के द्वारा, ये सब इनका चलता था। अब इसी तरीके से जब हमारा हॉस्पिटल खुला तो एक तो पेशेंट मेडिकल से हमारे भी जानने वाले निकलते थे, तो वो भी आए। जब वो हमारे आए तो हमारे जो लड़के थे, यानी कि हम लोग थे, जो भी हम काम करने वाले थे, यानी कि मैं, डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल पे, अब इनके खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट दी, जिसमें मैं मुख्य मेजर बना दिया। एक कंप्लेंट देने के बाद इन्होंने कहा, जो अपने आप करते हैं ये लोग, वहाँ से पेशेंट को गुमराह करके गीतांजलि रखते हैं, रखने के बाद वहाँ जबरन उनसे पैसे वसूलते हैं ये लोग, और कभी कभी पेशेंट को बंदी भी बना लेते हैं ये लोग। लेकिन यही चीज उन्होंने पलट करके मुझ पर लगा दिया। अब उसमें कई गवाह इन्होंने लगाए, उसमें मेरी जो चार्जशीट आई है, जो पुलिस से मिलकर इन्होंने केस लगाया, उसमें नौशाद अली है, सिमाल अहमद है, ऐसा ही नौशाद अली है जी। मेरा लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल पटवाड़ी नगले पे हॉस्पिटल खोला था मैंने, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिसर जी, रजिस्टर्ड था मैम जी। डॉक्टर हैं, डॉक्टर बसरा, तीन डॉक्टर लगे हुए थे, एमबीबीएस डॉक्टर लगे हुए थे सब उसमें, और एमबीबीएस ही काम करते थे, लेकिन उन्होंने अलीगल उसको ठहरा कर पुलिस के साथ मिलकर मुझ पर उसमें 386/420 का मुकदमा झूठा दर्ज कराया, जिसके पूरे प्रूफ मेरे पूरे बैग में रखे हुए हैं, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, और उसमें इन्होंने मुझ पर झूठा जी, FIR की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, दोनों चीजें लेकर आया हूँ, उसमें पूरी पुलिस भी गलत। नंबर क्या है? FIR नंबर तो नहीं, लेकिन FIR नंबर है 247/22 मैम, 247/22। अब उन्होंने मुकदमा लगा के मैंने उसमें स्टे लेने की कोशिश करी, भाग दौड़ करी, मुख्यमंत्री साहब के पास गया मैं, DGP साहब के पास गया मैं, और बहुत जगह बहुत मैंने कोशिश करी इन लोगों के इस चीज को साबित। आप हाई कोर्ट गए होंगे इलाहाबाद? जी, सब जगह गया हूँ मैं, लेकिन जब मुझे इस पे कोई रिलीफ नहीं मिला, का मामला है तो इलाहाबाद ही जाना होगा। मगर मैं DGP साहब के पास पहुंचा तो वहां से इन पे सख्ती हुई, तो रास्ते में से पुलिस ने मुझे उठा के ले गई आगरा से, और उठाने के बाद मुझे जेल भेज दिया गया। मैं बेल होने के बाद आया, फिर मैंने अपने मसले की इनके लिए 4 महीने जी, इन्होंने 4 महीने इसलिए रहना पड़ा मुझे मैम, इन्होंने 17 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री जज साहब के यहाँ लगाई, झूठे, यानी कि जो मुकदमे, यानी कि असलम, जितने अलीगढ़ के असलम थे, सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री मेरे सर पे लगा के जज के सामने समक्ष पेश कर दी। अब उनका हमें तो जो डिटेल निकल नहीं, उसकी बिना सबूत से कैसे पुलिस मैम, उसकी डिटेल जब हमने निकाली तो उनमें से कोई मुकदमे मेरे नाम पे ही नहीं था, लेकिन जज ने उसी बात पे खारिज कर दी बिल, कि 17 मुकदमों की वजह से हमने इसको बेल खारिज कर दे। मैम, इसका भी प्रूफ मेरे पास रखा हुआ है, अभी निकालना, उसका प्रूफ भी रखा हुआ है मेरे पास, बेल खारिज हुई। आपको बेल मिल गई, फिर आपको जी बेल भी खारिज हो गई? नहीं, अलीगढ़ से खारिज हुई, हाई कोर्ट से हमने पहली बार में इसलिए ले ली क्योंकि उनमें से कोई मुकदमा हमने सब निकाले तो किसी और पे निकले, हम पे नहीं, हाई कोर्ट ने पहली डेट पे हमें बेल दी थी। जब हम बाहर निकले, हमने अपनी जो हमारी कार्रवाई चल रही थी, हमने दोबारा कार्रवाई करी, तो पुलिस ने हमें उसमें एक ही मुकदमे के आधार पे गैंगस्टर लगा दिया। हम पे गैंगस्टर जी, गैंगस्टर लगा दी, गैंगस्टर में हाई कोर्ट से मेरी बेल हुई। उसमें साफ कहा गया 2022 में कि आपको एक ही मुकदमे पे गैंगस्टर लगी हुई है, इसलिए गैंगस्टर इसलिए बेल दे दी जाती है। बेल मैं निकल कर आया तो उसी मुकदमे का आधार पे इन्होंने HS खोल दी मेरी। देखिएगा, ये मैं मेरा बेल ऑर्डर है गैंगस्टर का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक ही मुकदमे के प्रदर्शन गैंगस्टर लगी है जी। ठीक है, ऐसी सदरे वाला निकलना। अब उसके ऐसे ही क्या, इन्होंने मुझे HS खोल दी एक ही मुकदमे के आधार पर। उसके बाद जब मैं आया तो जब मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू करी, सर ये हो क्या रहा है, तो
तो इन्होंने अलग अलग आदमियों के तो आपने कोई वकील वगैरह अपने जी, वकील जी, से नहीं सब चीजें आपने प्रस्तुत करवाई कि आपके समझ जो भी चीज मैम इतना ये मौका ही नहीं दे रहे मुझे निकलने से पहले अंदर करवा रहे हैं या तो मैं मुझे भागना पड़ता है जब तक मैं कुछ करके लाता हूँ जब तक फिर निकलने के बाद फिर कई पकड़ के अंदर कर देते हैं यहाँ तक कि बच्चे इतने यहाँ 4-5 साल हो गए इनको मेरे पीछे लगे हुए पुलिस से मिलकर बार बार अंदर कराते हैं 5 साल के अंदर ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं मेरे यानी कि यहाँ पे भूखे मरने की कगार पे आ गए लेकिन अभी भी हमारा पीछे नहीं छोड़े मेरी गाड़ी उठा के घर से ले गए मेरे पास वीडियो है उसकी भी घर से उठा के ले गए ब्रेजा गाड़ी घर से उठा कर ले गए जब मैंने पता किया तो पता चला मुझे अज्ञात में इन्होंने दाखिल करी है कोर्ट के अंदर मैंने उसको रिलीज कराई मैंने मसला कोई नहीं किसी के खिलाफ कुछ नहीं करा मैं थाने लेने गया थाने 1-1.5 महीने तक ये घुमाते रहे जब ज्यादा मसला पड़ा तो बोले कि तुम्हारी गाड़ी आप कह रहे कि ये जो गीतांजलि हॉस्पिटल के आप खिलाफ आए हैं जी ऐसी चीजें क्यों हो गई आप दोनों में आप पहले दोस्त रहे होंगे आप काम करते थे उनके यहाँ क्या नहीं था? कुछ नहीं मैम उनका जो ना वहाँ से मेडिकल से ही हॉस्पिटल चलता है मेडिकल के आधार पे वहीं से पेशेंटों को गुमराह उनकी एक टीम लगी हुई है मैम जिसको संभालता है दीपक शर्मा पूरी टीम को दीपक शर्मा कौन है मैम इनका एक चेला मान लीजिए या फिर गुबर टाइप का इस टाइप का आदमी है तो वो इनको पूरी टीम को वही संभालता है अब ये पेशेंट यहाँ से गुमराह करके गीतांजलि डाल देते हैं गीतांजलि से वहां से पेशेंट वो दीपक शर्मा मुकेश पालीवाल पुनीत पालीवाल उनको बदली बनाता है या फिर कैसे भी उनसे वसूली करता है ढंग से अब वहां पे मेरी गाड़ी चलती थी बहुत पहले से 3 गाड़ी चलती थी मेरी उन गाड़ियों की वजह से मेरी एम्बुलेंस वालों से भी जान पहचान थी तो वहां से 2-4 पेशेंट मेरे यहाँ भी जाने लगे अब उन पेशेंट ना जाए इस वजह से इन्होंने सारा मेरे साथ ये क्या है उनका जो पेशेंट कट के मेरे यहाँ मेडिकल का जो पेशेंट उनके यहाँ जाता था एक आध मेरे यहाँ भी जाने लगा बोले कि तुम्हारे यहाँ से पेशेंट गया तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे मतलब ये एक बिजनेस जी मैम जी बिजनेस आपस में जबकि मैंने मैम 17-18 दिन हॉस्पिटल चला उसके बाद कोर्ट के समक्ष नहीं कही मैम कोर्ट इतना मौका ही नहीं मिला है मुझे अभी तक अभी भी मैं अभी तो साहब तो पूछते होंगे ना आपसे भी नहीं मैम तो अभी तक तो सब एक पक्ष का पूछा आपको जेल नहीं मैम अभी बहस का मौका ही नहीं आया किसी भी केस में ट्रायल नहीं हुआ किसी भी मुकदमे में अभी बस क्या नाम है इसके बाद हमने जब बाहर निकल के आते हैं मैम दोबारा दूसरे केस की तैयारी कर देते हैं कभी क्या करते हैं भिन्न भिन्न लोगों से मुकदमे करवाते हैं मुझ पर लगवाते हैं अच्छा अन्य लोगों से हाँ कभी किसी से मुकदमा इनकी टीम बहुत बढ़िया मैम कभी किसी से एप्लीकेशन दिलवा दी पैसे 10,000 रुपए दो थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाता तो है आप भी जिस प्रकार से कह रहे हैं मैं भी हॉस्पिटल चलाता था मैं भी गाड़ी चलाता था तो आपके भी तो लोग होंगे जी मैम बिल्कुल है मेरे लेकिन तो टीम होगी मैम यही तो प्रॉब्लम है इनकी बड़ा पूरा पहले से चल रहा था इनकी पूरी संगठन बना हुआ है इनका टीम बनी हुई है मैं स्टार्ट हुआ था मैम इनकी गिनती नहीं है हाँ मैम इनकी बहुत बड़ी यानी कि अलग अलग शहरों में अलग अलग संख्या इनकी जैसे कासगंज अच्छा दूसरे असलमों के केस में दूसरे का केस तुम पे जी 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 मतलब इनके अलावा भी और असलम ये प्रूफ है मैम अदालत में भेजा अदालत का कागज दीजिए कोर्ट में पुलिस ने लगा के दिया 17 मुकदमों का वो आधार मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिएगा ये दूसरे असलमों के मुकदमे मेरे नाम पे लगा रहे हैं बस सिर्फ अंदर रहना है किसी भी तरीके से रखना है ऐसे 17-18 मैम ये पूरी फाइल उसी की है तो ये तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये यार दूसरा असलम है ये देखिए फोटो भी है मैम बिल्कुल झूठ हो रहा है अभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ और अभी जब मैंने गाड़ी रिलीज कराई उसके बाद मेरी गाड़ी नहीं थी कह दिया कि गाड़ी में आग लग गई आपकी और गाड़ी में आग लगने के बाद मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी उच्च अधिकारियों को तो उसमें इन्होंने तो आपको क्या लगता है इसमें जो है कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं मिले नहीं इनके अधिकारी भी मैम मिले हुए नहीं है मेरे घर को 8-10 दिन से इन लोगों ने घेर रखा है हैक करा हुआ है अभी भी और कल परसों क्यों नहीं हैक किया मैंने मैडम मैं तो जानता नहीं अदर आदमी है लेकिन पुलिस वाले पहुंचे जब मैं यहाँ आया हूँ देखिएगा ये कोर्ट में पेश करी थी इन्होंने पुलिस ने 17 मुकदमे मेरे ऊपर जिनमें से मुझ पर मुकदमा नहीं है इनमें से कोई भी जरा ये भी आपका नहीं है नहीं ये कोर्ट के अंदर इन्होंने मेरे ऊपर लगा के भेजी मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री झूठी किसके नाम है ये अदर है मैम ये है ये और असलम है जो अदर लोग हैं मतलब नाम का जो है बिल्कुल मिस यूज कर रहे हैं मैम ये सारे असलम इन्हीं पे लगा दिया मैंने एक बार कहा भी था इंस्पेक्टर साहब से मैंने ये बताइए कि और असलम को हर तरीके लगा रहे हैं तो बोलते हैं कि उनका नाम असलम क्यों रखा फिर असलम क्यों रखा मैंने क्या मतलब अगर कोई और नाम होता कोई और बड़ा क्रिमिनल होता तो आप उसको भी लगाए थे कि भाई ये तो आपके ऊपर है हम क्या कर सकते हैं इन्होंने क्लियर और इसके अलावा भी मैंने घर जा जाके दूसरे असलमों के सारे प्रूफ लेकर आई हूँ सब मैंने पुलिस को दिखाया किसी चीज को एग्री नहीं करती फुल गुंडागर्दी करते हैं मतलब एक नाम होने से दूसरे अगर कोई क्रिमिनल है उसी नाम का तो ऊपर लगा दिए अच्छा जी इन्होंने क्या किया है
अगर किसी अधिकारी के पास जाओ तो कहते हैं हम तेरी क्यों माने भाई, हम तो अपने इंस्पेक्टर की सुनेंगे। ये मुझसे डायरेक्टली बोलते हैं अधिकारी, सीओ ने बोला है मुझसे जी। अरे तू कौन है? मैं गया हूँ उसको प्यार दो बार तो मैं मिल लिया। एक बार मुझे क्रिमिनल साहब मिले, क्रिमिनल एसपी साहब मिले थे, उन्होंने जी एसएसपी साहब नहीं थे तो उन्होंने मिले थे, उन्होंने फटकार मारी इंस्पेक्टर को भी और प्यारो को भी अपने को, क्योंकि वो गलत गलत बोल रहा था ध्रुवो की तरफ से। लेकिन दोबारा में मुझे वहां तक जाने नहीं दिया। जब तक मैं वहां तक पहुंचता हूँ उससे पहले कॉल करके पुलिस दरोगा को थाने की पुलिस को बुला लेते हैं, उठा गए उस रस्ते में से गायब करते हैं इनको। फिर मैंने फुल दबंग गई जी जी मैम। मैंने फिर अपने आप को हटा के मैंने अपनी वाइफ को भेजना चाहा डीआईजी साहब के यहाँ, वहाँ पे उनके प्यारों ने नहीं मिलने दिया मैम। इनसे डर के था तुझे जेल भिजवा दूंगा ना, चली जाए यहाँ से। बिल्कुल क्लियर इसी तरीके से मैम, इसी लहजे में, यहाँ तक कि मैं रोने भी लगी थी। मैं पहले मुझे साफ से बात तो करने दो, यानी साहब नहीं बैठे यहाँ, भागो यहाँ से। इतनी बुरी तरीके से लथाड़ते थे, गालियाँ देते थे, फिर मैं चुपचाप आया। नहीं देते बात ही नहीं करने देते थे ऊपर अधिकारियों से, हमारी बात ही नहीं। अभी आपका वकील जो है वो कौन है? आप आपके केस जो लड़ रहे हैं वो जी मैम मेरे से लड़ रहे हैं? जो मेरी हुई है अभी इन केसों में बेल हुई है, अभी कोई भी मुकदमा ट्रायल पे नहीं है। आपने कोई वकील नहीं किया अभी? नहीं अभी नहीं है कोई वकील, अभी अभी ट्रायल पे होंगे तब उसके बाद वो खड़ा होगा। एक मुकदमा है इसमें मैंने ऑब्जेक्शन चार्जशीट पे ऑब्जेक्शन लगा रखा है हाई कोर्ट में। आप लोग का जो आप कैसे गुजर बसर हो रहा है, आपका काम भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ होगा? जिनमें मैं दूसरे हॉस्पिटल में अब नौकरी कर रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजर की, लेकिन अभी मैं चार पांच दिन से जब से ये काम हुआ है तो मैं वहां भी नहीं जा पा रहा हूँ। जब से ये दरोगा ने आके बदतमीजी करी है लड़कियों से, एप्लीकेशन डाल दी, इन पर सवाल हुआ तो इन्होंने हमारे घर पे आना शुरू कर दिया। सिविल वर्दी में आते हैं कुछ तो पुलिस वाले मोहल्ले वाले बता रहे हैं। देखिए कि ये इतने बड़े बच्चे हैं कि पुलिस से इनको गालियां बकते हैं। तीन लड़कियां, ये तीन लड़कियां हैं, दो बेटे हैं मेरे, ये पुलिस इनको गालियां बकते हैं। तेरे पांच बच्चे हैं जी, तेरे बाप पे इतने केस लगाएंगे आपके आपके वो भूल जाएगा। तो बच्चों से क्या उनका क्यों बोलने का? मैं नहीं था ना मैम, लॉक होता है दरवाजा तो बच्चे डर के मारे खोलते नहीं। ऐसे तो फिर बच्चों के साथ तो वो ऐसे आप भद्रता नहीं कर सकते। बिल्कुल करते हैं मैम, ऑन कैमरा करते हैं मेरे घर पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, ऑन कैमरा करते हैं लोग। तो मुझे लगता है अभी मैच्योर भी नहीं है बच्चे, मुझे लगता है छोटे। वो सबसे बड़ी बेटी नाबालिग है अभी जी मैम, 12 साल की, सबसे बड़ी लड़की 12 से नीचे के ही है सारे जी। इतनी बदतमीजी हो रही है खुल के मैम, किसी के पास भी जाओ उल्टा ही जवाब मिलता है। और अब आज की डेट तो मैम ये हो गई कि मैं अलीगढ़ में से कहीं से निकलूं और मुझे उठा के जेल भेज देते कुछ भी लग। मैम आज मैं अलीगढ़ जान माल का भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है। अभी हम यहाँ पर कुछ दिन पहले पैर तोड़ दिए थे लोगों ने, मुझे नहीं पता कि रास्ते में घर तक सब क्या हो जाए, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है कि हम यहाँ तक आ चुके हैं। पुलिस मोहल्ले में घूम रहे हैं, अदर लोग भाई किस टाइम निकलता है किस टाइम जाता है, मोहल्ले वालों की कोले मुझ पा रही है भाई भाई इसको तो देखो क्या मसला हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे बहुत लोग घूम रहे हैं तुम्हारी डिटेल ले रहे हैं, चक्कर लगाते हैं घर पे हमारे जो आसपास दुकान वाले, जब तक हम बताते सेफ्टी से रहे। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने कह दिया कि अब केस लगा के तुझे जेल भेजेंगे, गाड़ी तो दे ही नहीं रहे, गाड़ी में आग लगा दी। और तो कुछ प्रूफ लेकर आते होंगे ना पुलिस, तो गिरफ्तार भी करने आएगी तो कुछ कागज लेकर आएगी ना, कुछ नहीं है मैम, ऐसे थोड़ी ना पुलिस आ जाएगी। मुझे लगता है मैम कोई प्रूफ मांगते हैं अलीगढ़ में, ये फुल गुंडा, अरे अरेस्टिंग लेटर होगा उसके पास, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसे उठा के ले जाते ही ले आते हैं। ताकि घर में भी हमारे ऐसे घुसते से इन्हीं का घर है। और लास्ट टाइम मेरी बच्ची ने कह रही थी कि पहले आप अंदर में जब आए दूंगी अंकल, पहले आप मुझे सर्च बताइए, लेडीज पुलिस आती है या जेंट्स आते हैं? जेंट्स आते हैं, लेडीज नहीं आती। नहीं, नहीं, आप लेडीज हैं घर के अंदर तो ऐसी जेंट्स घुसते हैं मैम, पूरी पूरी फोर्स घुसती है। 112 पे कॉल क्यों नहीं करती उस समय? इतना तो मैम की फोन हाथों में से फोन छीन के ले जाते हैं, करने पे तो जेल भेज देती हैं। यहाँ तक कि एक बार मैं इनकी वीडियो बनाई थी, ये लोग आ गए थे, गलत का तो विरोध करना है ना मैम। विरोध करने की सजा ये मिली है मुझे, विरोध करने की सजा मिल रही है मुझे जब भी करता हूँ। अब मैंने गाड़ी के लिए एप्लीकेशन दी उच्च अधिकारी को, तो उसके बाद अब कह रहे हैं तुझ पर फिर मुकदमे लगाएंगे, वो तो मेरे काम में नहीं है। आप दिल्ली आ चुके हैं, ठीक है, राजधानी है भारत की, यहाँ अब आप आ चुके हैं, यहाँ पे तमाम नेता मंत्री यहाँ यहीं पे उनके निवास हैं, यहीं से देश चलता है पूरा भारत। प्रधानमंत्री जी को आप देने आए, मेमोरेंडम गृह मंत्री जी को देने आए, अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री जी को भी आप यहीं से मुझे लगता है देंगे आज। नहीं मुख्यमंत्री को मैं दो बार दे चुका, अब नहीं दूंगा आज, अब नहीं, नहीं आज नहीं दूंगा मैं दो बार, तो दे चुका कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को देंगे जी। क्या कुछ आप डिमांड कर रहे हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या आप चाहते क्या है मैम? इसमें मैं CBCID SIT कोई भी टीम की इसको गठित करके मेरे जो मुकदमे लगे हैं मुझे, SIT की आप मांग कर रहे हैं जी, इसमें जांच हो दोबारा से और जो जो सही है वो करें, अगर मैं गलत हूँ इनकी सजा छोड़िए, मुझे फांसी चढ़ा दें। अगर ये गलत है तो शायद देखिए गलत इंसान भी ये मांग कर रहा है,
तो इससे साफ नजर आता है कि मैं, क्या है क्या मैम मेरे पास तो देखो जांच में ही पता चलेगा। ये देखिएगा कितने कागज, ये सब प्रूफ है मेरे पास इनके खिलाफ। ये चार्जशीट इसमें 247 को, मेरे 2007 मई 2022 को हॉस्पिटल को लाया, वो जो चार्जशीट में दरोगा ने चार्जशीट लगाई है वो उसमें जो पीड़ित दिखाया वो कह रहा है 2019 में मेरी दादी को ये मेडिकल से गुमराह करके ले गए। उस टाइम तो हॉस्पिटल था ही नहीं मैम, उस टाइम हॉस्पिटल हमारा मौजूद ही नहीं था। हॉस्पिटल कर रहा हूँ वो भी किराए की बिल्डिंग में मैम, 2022 में पहले किराए पे बिल्डिंग ली फिर 2022 फुल दबंगई चल रही है पुलिस वालों की। बिल्कुल हर चीज का प्रूफ हमारे पास एकदम पक्के प्रूफ है। हॉस्पिटल का जो हमारा रजिस्टर्ड है ओरिजिनल प्रूफ हमारे पास है, डॉक्टर हमारे सारे MBBS है वो भी हमारे पास सब प्रूफ है, और आज भी वो लोग है वो सब बता देंगे कि हाँ वो लोग है, और उनको ये सब फेक डॉक्टर नहीं है, कोई फेक डिग्री नहीं है। डिग्री भी है मैम अगर चाहो तो, मैं डिग्री भी लेकर आए हम हर चीज से, हम हर चीज से कहते हैं पुलिस को कि आप देखो तो सही, लेकिन जब वो लगा ही रहे हैं तो वो देखेंगे क्यों, जब वो खुद ही लगा रहे हैं देखना चाहते ही नहीं है। मैं पूरी पूरी जिस तरीके से आज मैं यहाँ फाइल लेकर आई हूँ, कई बार थाने लेके पहुंच चुकी हूँ, ये मेरे हस्बैंड भी कोई गलती नहीं है। तो आप इसे लेकर के हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रही हैं? मैं अभी ट्रायल पे मुकदमा लगा नहीं, उस जैसे ही बेर होके आते हैं मैं इसको जा रहा था हाई कोर्ट ही लेके जा रहा था मैम, लेकिन मेरे जेल से निकलने से पहले इसको चार्ज पे लगवा दिया, मैंने डिस्चार्ज डाला, डिस्चार्ज नहीं हुआ इसमें। अब ये वकील ने मुझे ये मशवरा दिया है कि इसको अब तो बहस पे ही होगा जो भी होगा, इसको अब इसमें कुछ नहीं हो सकता मुकदमे में। तो आप SIT की जांच चाहते हैं और एक कौन सी जांच बताई आपने? CBCID CBCID की जांच, ठीक है जी मैम। सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं जी मैम, अगर सुरक्षा हो जी मैम, जान लो तो हमारे को पूरा खतरा है मैम इन लोगों से। अभी आप मतलब दोषी पूर्ण रूप से नहीं अभी नहीं आप पे आरोप लगे हैं ना अभी मैम। दूसरा ये हमारी गाड़ी नहीं दे रहे, अब आप गाड़ी जला दी, गाड़ी भी नहीं दे रहे और गाड़ी मांग, सजा वजा नहीं हुई? नहीं नहीं सजा किसी भी नहीं मैम, 5 साल से बस ये कि बाहर निकलते हैं अंदर डाल देते हैं, बाहर निकलते हैं अंदर डाल देते हैं, यहाँ तक के बच्चे भूखे मरने पे आ गए, जब तक मैं काम नहीं करूंगा बच्चे खाएंगे कहाँ से, पढ़ाई से बैठे हैं पढ़ने नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ। ठीक जी मैम, लड़कियाँ भी है ना? जी लड़की, 3 लड़की है मेरे पास, छोटे ही है सारे जी, मैं बड़ी लड़की मेरी 12 साल की मैम।